हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूं आपके लिए हेल्दी सैंडविच, जो सिर्फ 2 मिनट में पक जाती है। ये मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, मीडियम साइज़ का खीरा लिया है छोटा सा, एक टमाटर लिया है और ये देसी घी है। मक्खन की जगह पे मैंने देसी घी लिया है। मैंने 4 ब्राउन ब्रेड लिए हैं। अब मैं इन सब्जियों को सबको मिक्स कर लूँगी। मैंने काली मिर्ची भी ली है छोटी आधी चम्मच और स्वाद अनुसार नमक लिया है। मैं इन सब्जियों को मिक्स कर लूँगी। आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल यही सब्जियाँ थी तो मैंने यही डाल ली। आप ब्रेड पे फैलाने से पहले सब्जियाँ, आप केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन केचप लगाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको पहले देसी घी लगाना है उसके बाद केचप लगाना है। देसी घी या मक्खन थोड़ा थोड़ा लगाना है हल्का सा, फिर उसके बाद केचप लगाना है, फिर सब्जियों को इसके ऊपर रखना है ब्रेड पे, नहीं तो सारा ब्रेड गल जाता है अगर आप केचप लगा रहे हैं तो। अगर ना वैसे ही आप इस तरीके से रख सकते हैं, फिर नहीं गलेगी ये ब्रेड। अब मैं सारी सब्जियां मैंने फैला ली ब्रेड पे, मैं दूसरे ब्रेड को भी रखूँगी। आप इसी तरीके से एक ही ब्रेड से भी पका सकते हैं, एक साइड से भी पका सकते हैं खाली। अब इसको सैंडविच को मैंने दो ब्रेड को लगा के पकाया है। अब ये मेरे एक साइड से ब्राउन हो रहे हैं ब्रेड। अब मैं ऊपर से देसी घी लगा लूँगी इसमें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद मैं पलटूँगी इसको। आप इसकी जगह पे मक्खन भी ले सकते हैं, आपको मक्खन पसंद है तो। दोनों ब्रेडों पे मैं लगा लूँगी देसी घी। ये मेरा ब्रेड एक पक गया है एक साइड से, ब्राउन हो चुका है, एकदम क्रिस्पी है ये। सिर्फ 2 मिनट में बनके तैयार हो जाता है नाश्ता, और सबसे हेल्दी नाश्ता है। आप इसमें और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको लगता है आप इससे और अच्छी तरीके से ये बना सकते थे सैंडविच, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।